नमस्कार, मैं हूँ रंजीत कुमार और आपने क्लिक किया अपना YouTube चैनल बॉलीवुड ब्लंट। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सोनू सूद के ऊपर लिखी गई एक बुक के बारे में। जी हाँ, उनके ऊपर अब एक बुक भी लिखी गई है जिसे लिखा है मीरा के नायर। जी हाँ, बुक का नाम है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आई एम नो मसीहा। जी हाँ, लॉकडाउन के दौरान उन्होंने क्या किया ये सब आप जानते हैं। लोग उन्हें रियल लाइफ का मसीहा मानते हैं, सुपर हीरो मानते हैं, लेकिन वे अपने कई इंटरव्यू में कह चुके हैं कि वे किसी तरह का कोई मसीहा का काम उन्होंने नहीं किया है। वे किसी के मसीहा नहीं है, वे भी एक आम इंसान है। उन्हें उस समय लॉकडाउन के दौरान जो सही लगा उन्होंने किया। उन्होंने जरूरतमंदों को जो घर जाना चाहते थे उन्हें घर तक पहुंचाया। जी हाँ, फिल्मों में वे एक बुरे चरित्र को निभाते हैं, लेकिन लॉकडाउन ने उनके जीवन को बदल दिया। अब ये लोगों के वो रियल हीरो के तौर पर देखे जा रहे हैं। अब इस पुस्तक में क्या है ये आपको तो पढ़कर ही पता चलेगा। इस पुस्तक को जो पब्लिकेशन है उसका नाम है पेंगुइन पब्लिकेशन है। तो अगर आप सोनू सूद के बारे में और जानना चाहते हैं तो आपको यह बुक खरीदनी होगी और सोनू सूद के बारे में पढ़िए, उनके क्या विचार हैं वो उनको जानिए। और आप तो समझ ही गए होंगे लॉकडाउन के दौरान वे क्या सोचते हैं और क्या फील करते हैं। तो वो आप लॉकडाउन ही नहीं, उसके बाद भी लोगों को तो उन्होंने घर पहुंचाया ही, उसके बाद भी जो शहर आ रहे हैं नौकरी की तलाश में, उन्हें नौकरी दिलवाने में भी मदद कर रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने तो एक ऐप को भी बनाया है, जो अगर ज़रूरतमंद है, जिन्होंने नौकरी खोजी है, तो उनको उनकी योग्यता के हिसाब से नौकरी खोजने में मदद भी कर रहे हैं। तो सोनू सूद न केवल फिल्मों में काम कर रहे हैं बल्कि इसके साथ साथ अब सोशल वर्क में भी दिन रात लगे हुए हैं। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना